क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% की हानि पर 4800 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य पता करना है। क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है, ठीक है। इसको कितने परसेंट की हानि पर बेचा है? 20% की, तो 100 में 20% माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 80%। अब 80% में बेचा गया है, 80% क्या है? 4800, ठीक है। तो 80% 4800 है, तो 1% कितने के बराबर होगा? 4800 को 80 से भाग दे देंगे, ये आ गया इसका 1%। है कितना आया? 60। 1% 60 है, तो 100% कितना होगा? 60 को 100 से गुणा कर देंगे, 6000। तो 100% कितना आ जाएगा? 60 को 100 से गुणा करके 6000 आ गया, और ये हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है? बी। और 100% हमारे पास क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने पता करना था। क्वेश्चन है, एक टेप रिकॉर्ड को 10% के लाभ पर 935 रुपये में बेचा जाता है। तो मतलब बेच मूल्य आपको दिया है 935 रुपये, और यदि ये 835 में बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितनी होती? क्रय मूल्य कितना होता है? क्रय मूल्य होता है 100%। 100% में उसको कितना लाभ पे बेचा गया? 10%। 100 में 10% जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। तो इसको 110% पर बेचा गया, वैसे रुपए में कितना बेचा गया? 935 में, ठीक है। तो 1% कितना आ जाएगा? 1% हमारे पास आ जाएगा 110% बराबर 935, तो 1 बराबर आ जाएगा 935 को हम भाग दे देंगे 110 से, ठीक है। और ए कितना है? तो 100% कितना होगा? 100% बराबर होगा, ये 1% है, तो इसको हम कितने से गुणा कर देंगे? 935 बटा 110 गुणा 100 से कर देंगे। 0 से 0 कट गई, 11 एक 11, 11 8 88, 5 11 5 55, 850 आंसर आ गया इसका। ये क्या आया हमारे पास? खरीद मूल्य आया है, जो इसने खरीदी थी 850 की और बेची कितने की है? 835 की। ये खरीदी थी और बेची कितनी है? 835 की। तो कितने रुपए हानि होगी? 15 रुपए। ये हमारा सी आंसर है।